दोस्तों आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि मेनली न्यू टेक्नीशियन के लिए एक चाइना पीसीबी लेके जो थर्टिंग प्रॉब्लम रिमूव करने का जो तरीका आपको एक वीडियो के अंदर बताया। तो दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट ये तरीका आपको ये वीडियो के अंदर जब बताऊँगा कि बहुत कुछ पार्ट्स हीट देखा जाता है, हीट प्रॉब्लम आप उंगली से टच करने का बाद भी आप पता कर सकते हो क्यों हीट हो रहा है और इसका रीज़न क्या है। ये वीडियो के अंदर आपको वो सब डिस्कस करने के लिए कोशिश करूँगा दोस्तों। इसीलिए ये वीडियो पूरा मेनली न्यू टेक्नीशियन के लिए, और पुराना टेक्नीशियन होगा तो आप ये वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। और दोस्तों चाइना पीसीबी को अगर ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ कि चाइना पीसीबी का ड्राइंग बहुत सिंपल है और ये जो ड्राइंग है इसका जो लाइनिंग होता है ये अच्छा करके दिमाग में सेट हो जाएगा तो तब आप बैंडेड पीसीबी आसानी से रिपेयर कर पाओगे। तो इसीलिए ये पीसीबी को आपको अच्छा करके पूरा दिमाग में सेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, बिना टाइम में वेस्टेज नहीं करना चाहता। मैं एक वीडियो के अंदर आपको दिखाया कि सीआरटी टीवी पीसीबी का कुछ भी पोजीशन शॉर्ट हो जाएगा तो वो आसानी से कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और किस तरह चेक करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया। और वो वीडियो देखने के बाद बहुत दोस्त ने कमेंट किया है सर आप इस तरह वीडियो बनाए। दोस्तों चलिए आज ये वीडियो के अंदर वो जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम रिमूव करने का और चेकिंग करने का तरीका आपको बताया, इसी के ऊपर ही ये वीडियो है। बट आपको और आसान तरीका दिखाऊंगा ये वीडियो के अंदर, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा। देखिए आपको वीडियो के अंदर जिस तरह दिखाया आपको थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ। देखिए मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर रखा है, तो मीटर को क्वांटिटी मोड पर रखने के बाद इसका क्वांटिटी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए मीटर इसका क्वांटिटी दे रहा है, मतलब इसका बाजर बज रहा है, ठीक है। तो इसका क्वांटिटी पॉइंट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, ये फोरम्स के आसपास दिखा रहा है, कभी कभी ये जीरो हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ये अभी क्वांटिटी मोड पर है, ठीक है। तो देखिए पावर सेक्शन के बारे में कुछ नॉलेज मैं थोड़ा शेयर किया, और इसका आउटपुट ये जो कूल सेक्शन इसका बारे में मैं कुछ नॉलेज शेयर किया। देखिए ये मान लो 110 वोल्ट सप्लाई कराए इनका डायोड है, ठीक है, और नेगेटिव का साथ आपको नेगेटिव पर रखना पड़ेगा और डायोड के पॉजिटिव साइड पर आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा कि कुछ भी शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों शॉर्टिंग तो नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरह आपको दिखाया। और मीटर काट के घुमाने के बाद कितना रीडिंग देता है, देखिए इस तरह ये रीडिंग देखा जाता है 400 का ऊपर थोड़ा सा आसपास, और इसी से लो वैल्यू मतलब लो ओम्स आएगा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये लाइन का शॉर्ट है। तो वो शॉर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत क्लियर करके बताया जो वीडियो मैं बनाया, वो वीडियो का लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, ठीक है, वो वीडियो एक बार देख लीजिए। तो ये वीडियो के अंदर और जो आपको बताऊंगा कि दोस्तों देखिए मान लो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने का बाद क्या देखा जाता है, जब वोल्टेज चेक करेगा, वोल्टेज चेक करने का समय देखा जाता है कि वोल्टेज ड्रॉप देखा जाता है, हो सकता है वोल्टेज जीरो हो गया। मान लो ये नेगेटिव है और आप ये मीटर अब वोल्टेज रेंज पर रखा है, हो सकता है 200, हो सकता है 600 डीसी रेंज पर रखा है, और देखिए ये मीटर नेगेटिव पर रखने के बाद आप मान लो ये 110 वोल्ट का लाइन है, यहाँ पर आप वोल्टेज चेक किया, चेक करने के बाद देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया, मतलब वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रहा है, हो सकता है वोल्टेज 110 वोल्ट का जगह 15, 16, 17, 18 इस तरह कुछ भी कम वोल्ट आ रहा है, हो सकता है इसका जो अलग ये सप्लाई लाइन 26 वोल्ट जो सप्लाई ये जो 26 वोल्ट सप्लाई वर्टिकल आईसी का अंदर जा रहा है तो ये सप्लाई ड्रॉप हो गया। तो दोस्तों जब ड्रॉप हो जाएगा आपको चेक करने का तरीका बताए, आप किसी तरह चेक कर सकते हो, एक एक सप्लाई लाइन को रेजिस्टेंस को ओपन करके चेक कीजिए, बहुत कुछ क्लियर करके बताए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो के अंदर जो आसान तरीका बताना चाहते हो कि देखिए मान लो सभी सप्लाई लाइन का साथ एक एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है, एक एक रेजिस्टेंस मान लो ये 110 वोल्ट सप्लाई ईएसटी सप्लाई का बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये 26 वोल्ट सप्लाई ये डायोड है, डायोड का पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई, ये रेगुलेटर सेक्शन पर जो सप्लाई जा रहा है बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, सीरीज एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस, चलिए आपको ऊपर से दिखाता हूँ। देखिए ये पीसीबी को मैं सीधा किया, आप अच्छा करके देखिए ये ईएसटी सप्लाई का रेजिस्टेंस है 2 वाट का, ठीक है, और देखिए ये जो अलग अलग रेजिस्टेंस देखिए ये रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो तीनों रेजिस्टेंस ये 110 वोल्ट लाइन से एक फीडबैक वोल्टेज आता है ये पोजीशन पर, और यह से जो वोल्टेज ये फीडबैक सेक्शन को मतलब 110 वोल्ट लाइन वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ये सेक्शन काम करता है। तो सभी लाइन का अंदर एक एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, ठीक है। और चलिए आपको और दिखाना चाहता हूँ कि देखिए
ये एक रेजिस्टेंस है जो साउंड सेक्शन का सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस है। चलिए ये रेजिस्टेंस भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए कंपनी यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ नहीं किया है, बट इसका अंदर रेजिस्टेंस का ये जो नंबर आप देखिए आर मतलब रेजिस्टेंस 569 ये लिखा है, बट कंपनी ये जम्पर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो। तो दोस्तों ये जो पीसीबी ये मार्केट का चाइना पीसीबी है, बहुत चाइना पीसीबी अलग अलग टाइप का भी देखा जाता है, बहुत कंपनी अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया, तो इसीलिए बहुत कुछ पार्ट्स इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो के अंदर जो बताना चाहता हूँ, मान लो आउटपुट सेक्शन शॉर्ट हो जाएगा तो जो हीट होता है पार्ट्स जो हीट होता है हीट से हीट आप टेस्ट करके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, हीट टेस्ट करके। तो दोस्तों हीट मतलब क्या होता है, ये पीसीबी के अंदर जितना पार्ट्स देखा जाता है कुछ कुछ पार्ट्स देखिए ये हीट सिंक के साथ कनेक्शन होता है। दोस्तों ये हीट सिंक जो है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर कनेक्शन है, ये वर्टिकल आईसी कनेक्शन है, मतलब हीट सिंक का पार्ट्स जितना पार्ट्स है सभी हीट होता है। ठीक है, पावर ट्रांजिस्टर देखिए, पावर ट्रांजिस्टर के साथ जो हीट सिंक है ये भी हीट होता है। ठीक है, और देखिए साउंड आईसी ये भी हीट सिंक के साथ कनेक्शन है, ये भी हीट होता है। दोस्तों जितना मोटा वाला हीट सिंक पीसीबी का अंदर देखा जाएगा तो वो पीसीबी का पार्ट्स आसानी से ख़राब नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत कुछ पार्ट्स और जो देखा जाता है हीट सिंक नहीं है, बट दोस्तों वो पार्ट्स भी थोड़ा सा हीट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो सेम नंबर का ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ये जो दो सेम नंबर का ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर का पोजीशन ये पोजीशन भी हो सकता है, ये पोजीशन भी हो सकता है, अलग अलग कंपनी जिस तरह डिजाइन किया तो उसी हिसाब से ये देखा जाता है। तो दोस्तों ये रेगुलेटर सेक्शन का ट्रांजिस्टर है, दोनों सेम नंबर का, बट कंपनी बहुत दिमाग लगा के इसका जो बायसिंग पार्ट्स को डिजाइन किया है, तो दो सेम नंबर ट्रांजिस्टर बट दोनों ट्रांजिस्टर से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होता है, एक ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट और एक ट्रांजिस्टर से 8 वोल्ट आउटपुट होता है। तो दोस्तों स्टैंड बाई सिग्नल ऑन होने के बाद तब ये दो ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट होता है, और जब वो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट होता है तो ये आईसी का अलग अलग पिन पर जाता है। इसका ऊपर मैं डिटेल बहुत कुछ वीडियो बना के रखा है, न्यू टेक्नीशियन का ऊपर मैं एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो, और वो भी वो जो सप्लाई कौन कौन पोजीशन पर जाता है मैं बहुत क्लियर करके बताता है। तो तब भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अब देखिए मैं मीटर को क्वांटिटी मोड पर रखता हूँ। ठीक है, देखिए मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर रखा है, देखिए बाजर बाज रहा है, ओम्स 2 ओम्स का आसपास देखा जाता है। तो दोस्तों ये मीटर का बजाय, तो चलिए आपको दिखा सकते हो कि देखिए, मान लो ये दो जो सेम नंबर का ट्रांजिस्टर, ठीक है, अलग अलग पीसीबी के अंदर अलग अलग बहुत कुछ नंबर के ऊपर ट्रांजिस्टर यूज़ हो सकता है, चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि मान लो ये जो ट्रांजिस्टर ये 5 वोल्ट सप्लाई आउटपुट देता है, तो ये जो 5 वोल्ट सप्लाई ये कौन पोजिशन पर जाता है, आपको मीटर को इस तरह रखना पड़ेगा, रखने के बाद ये जो आईसी है आईसी को पिन को इस तरह चेक कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये पूरा साइड को मैं टेस्ट किया, कुछ भी कनेक्शन मतलब इसके अंदर सप्लाई आने का कुछ भी लाइन नहीं यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए ये आईसी का जो ये साइट है, ये साइट पर चेक करने के बाद देखिए यहाँ पर बाजर बाज रहा है। ठीक है, आप अच्छा करके देखिए। तो दोस्तों ये 36 नंबर पिन है, और क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर पर मैं टच किया और इस तरह मैं चेक करता हूँ, देखिए ये 36 नंबर पिन पर इसका कनेक्शन है। तो दोस्तों ये आईसी का 47 नंबर पिन पर भी कनेक्शन देखा जाता है, देखिए ये 47 नंबर पिन है, यह पर भी कनेक्शन मतलब बाजर बाज रहा है, यहाँ पर भी इसका कनेक्शन है। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट सप्लाई का लाइन है, इस तरह कुछ भी लाइन आप टेस्ट कर सकते हो। दोस्तों ये जो 8 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, ये से जो 8 वोल्ट आउटपुट होता है, चलिए आपको इसका वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए ये जो लाइन है ये आईसी का कौन पिन पर जाता है, देखिए आप इस तरह चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कनेक्शन है। तो दोस्तों आप नीचे से काउंट करेगा तो दोस्तों ये 1 नंबर पिन है, तो आपको पता चल जाएगा ये कितना नंबर पिन है, आपको डाटा शीट ओपन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये 8 वोल्ट सप्लाई का लाइन है, यहाँ पर 8 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वोल्ट है, यहाँ पर जब 8 वोल्ट आता है तब यहाँ से एच आउट सिग्नल आउटपुट होगा, और वो एच आउट सिग्नल ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर पर जाएगा, ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर पर जब वो सिग्नल जाएगा और ये डाइवर्स कॉयल पर जब वोल्टेज मौजूद होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑसिलेशन शुरू होगा और ये कॉयल से एक फ्रीक्वेंसी आउटपुट होगा जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का पास जाएगा। जब आउटपुट ट्रांजिस्टर स्विचिंग होगा मतलब ऑन होगा, स्विचिंग ऑन होने के बाद तब ESD ऑन होता है। ठीक है, जब ESD ऑन हो जाता है तब ESD से ABL वोल्ट आउटपुट होता है, 180 वोल्ट आउटपुट होता है और हीटर वोल्ट आउटपुट होता है। तब ये सब वोल्टेज आउटपुट होने के बाद तब स्क्रीन के अंदर लाइट आता है।
बहुत कुछ और इसका और बहुत कुछ है, तो आपको ये वीडियो के अंदर यही नहीं बताना चाहता हूँ। आपको जो मेनली बताना चाहता हूँ कि देखिए, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मैं शेयर कर दिया, बार देख आपको जो बताना चाहता हूँ। मान लो आउटपुट सेक्शन शॉर्ट हो गया, जब ये शॉर्ट हो जाता है तो दोस्तों ये जो सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस है, मेनली रेजिस्टेंस के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो रेजिस्टेंस देखा जाता है, ये रेजिस्टेंस बहुत ही ओवरहीट होगा, मतलब आप उंगली से टच करेगा तो ये तुरंत बहुत हीट आपको देखने को मिलेगा। जब देखेगा कि ये रेजिस्टेंस टच करने के बाद, ये जो रेजिस्टेंस है देखिए, ये रेजिस्टेंस का टच करने के बाद देखिए बहुत ही ओवरहीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आउटपुट सेक्शन शॉर्ट है, इसका इनपुट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिमाग में पूरा सेट करना पड़ेगा दोस्तों, उसी का हिसाब से ये आउटपुट सेक्शन को अच्छा करके चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट शॉर्ट है। तो शॉर्ट कैसे चेक किया जाता है, आपको पहले एक वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया, तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो करके देख लीजिए। तो इसी तरह मान लो वोल्टेज ड्रॉप हो गया और ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, ये आपको टच करके भी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह ये जो सप्लाई लाइन का डायोड है, ये डायोड भी हीट हो सकता है। ये डायोड को आपको टच करके देखना पड़ेगा, ये जो अलग अलग सप्लाई लाइन का डायोड देखा जाता है, डायोड को टच करके देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये डायोड हीट हो रहा है कि नहीं। मान लो ये सप्लाई लाइन रेजिस्टेंस कुछ भी ओवरहीट नहीं हो रहा है, बट वोल्टेज ड्रॉप है, दोस्तों उसी का रीजन से ये जो इस इनपुट सप्लाई लाइन डायरेक्ट ओवरहीट हो रहा है, दोस्तों इसका अंदर जो कैपेसिटर है नेगेटिव के साथ कनेक्शन, ये कैपेसिटर खुद शॉर्ट हो सकता है, और दोस्तों ये डायरेक्ट भी खुद शॉर्ट हो सकता है, ये भी आपको ओपन करके चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सप्लाई लाइन बीच में जो रेजिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस पर सप्लाई जा रहा है, ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसका आउटपुट सेक्शन का कुछ शॉर्ट है। हो सकता है ये जो वर्टिकल आईसी, ये शॉर्ट हो सकता है, और दोस्तों ये जो सप्लाई जा रहा है, ये जो सप्लाई जा रहा है देखिए, बीच में और एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के बाद ये डाइवर कॉयल पर जाता है, और डाइवर कॉयल का इसका आउटपुट पॉइंट से ये डाइवर ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज जाता है। तो दोस्तों मान लो ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस भी ओवरहीट हो रहा है, तो आपको टच करने के बाद पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है कि नहीं। चलिए आपको दिखाता हूँ ये डाइवर सप्लाई का जो रेजिस्टेंस है, देखिए दोस्तों ये डाइवर सप्लाई का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 2 वाट का, सॉरी ये 1 वाट का रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये 1 वाट रेजिस्टेंस थोड़ा सा हीट होता है, ठीक है, बट ओवर हीट और नॉर्मल सा हीट, ये पता करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और कभी कभी रनिंग पीसी भी लेके आपको टेस्ट करके कभी कभी देखना पड़ेगा कि जब सेट ऑन हो चल रहा है तो कितना वो हीट होता है। तो ये कुछ दिन टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल हीट कितना होता है और ओवर हीट कितना होता है। बट इसके ऊपर मैं अलग सा और एक वीडियो बना दूंगा कि हीट जो मेजरमेंट करने के लिए जो मीटर है, मेरे पास वो मीटर है, वो मेजरमेंट करके आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन पोजीशन पर कितना हीट आता है, ठीक है, अलग वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए ये रेजिस्टेंस ओवर हीट होगा तो मतलब इसका जो आउटपुट वोल्टेज जरूर ड्रॉप हो जाएगा, इसका आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, देखिए सभी ये आउटपुट लाइन को चेक करना पड़ेगा। देखिए ये लाइन का अंदर नेगेटिव के साथ एक कैपेसिटर है, हो सकता है पीएफ, ये भी खुद शॉर्ट हो सकता है, और इसका अंदर इसका जो आउटपुट लाइन है देखिए, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर और पीएफ भी हो सकता है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। हो सकता है इसका अंदर और एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये और पीएफ और कैपेसिटर हो सकता है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। अधिकतर जो देखा जाता है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। मान लो ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद इसका अंदर वोल्टेज आ गया, मतलब नॉर्मल वोल्ट आ गया, बाकी हीट नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये सब पर चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर को आपको न्यू लगा के देखना पड़ेगा। हो सकता है मीटर लेकर आप चेक किया, मीटर पर ये ट्रांजिस्टर ओके देखा जाता है, तब भी आपको न्यू लगा के देखना पड़ेगा। न्यू लगाने के बाद और ये सब पर चेक करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो दोस्तों देखिए, ये ट्रांजिस्टर का एक पिन नेगेटिव होता है, एक पिन बेस जो होता है ये आईसी से एक सिग्नल आता है, और एक पिन के अंदर मेन सप्लाई जाता है ये लाइन से। तो ये जो बेस पिन होता है, ये बेस पिन का साथ बीच में एक रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस के साथ ये आईसी का पिन एक एच आउट सिग्नल पिन के साथ कनेक्शन होता है। हो सकता है ये आईसी से हाई वोल्टेज आएगा, मतलब आईसी खराब हो जाएगा तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा वोल्ट आएगा, तो यहाँ पर आएगा तो तब भी ये रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा। तो इसी तरह बैंडेड पीसीबी हो सकता है, कुछ भी पीसीबी हो सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये जो बेस पिन है, ये बेस पिन को ओपन करके आप देख सकते हो, नहीं तो ये जो सिग्नल लाइन जा रहा है बीच में जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को ओपन करके देख सकते हो, नहीं तो वो जो रेजिस्टेंस के बाद ये जो आईसी का पर आईसी का कुछ भी पिन पर इन जो हो रहा है, वो आईसी पिन को ओपन करके आप देख सकते हो।
मान लो ये जो आई से या पर एच लिखा है, जो एच आउट सिग्नल होता है, ये पिन को ओपन कर कब देख सकते हो कि दोस्तों, जब देखा गया कि ये पिन ओपन करने के बाद इसका हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो दोस्तों आईसी को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। तब भी दोस्तों ये सब ओपन करने के बाद तब भी हीट हो रहा है और आईसी चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, दोस्तों जरूर आप ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कीजिए, ठीक है। इस तरह जो प्रॉब्लम आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है ये जो आपको 5 वोल्ट 8 वोल्ट के बारे में चेक करके देखा है, क्यों देखा है कि यहाँ से जो मेन 5 वोल्ट 8 वोल्ट यहाँ पर आईसी पर नहीं आएगा तो सेट प्रॉब्लम ऑन प्रॉब्लम बहुत कुछ टाइप हो सकता है। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर आपको देखा है ये ट्रांजिस्टर ओवरहीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसका अंदर ये तीनों रेजिस्टेंस ये भी ओवरहीट हो रहा है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा टच करके। नॉर्मल हीट तो जरूर होना चाहिए, नॉर्मल हीट भी नहीं होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आईसी हो सकता है ओपन हो गया, मतलब आईसी खराब हो गया। तो आईसी का अंदर रेजिस्टेंस खराब हो गया। आपको जो बताना चाहता हूँ कि मान लो जो 2 वाट का रेजिस्टेंस पीसीबी के अंदर जो जितना देखा जाता है, मान लो ये सेक्शन के अंदर, तो वो रेजिस्टेंस कुछ भी हीटिंग ही नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये रेजिस्टेंस खुद ओपन हो गया और हो सकता है इसका अंदर वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इनपुट लाइन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डायोड ओके है कि नहीं, वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये डायोड रेजिस्टेंस पूरा ओपन हो जाएगा तो तब भी वोल्टेज नहीं जाएगा आउटपुट पर, तो रेजिस्टेंस हीट नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस को आपको चेक करके देखना पड़ेगा, कुछ भी वैल्यू रेजिस्टेंस हो सकता है। रेजिस्टेंस कलर कोड देख के आपको पता करना पड़ेगा। तो कलर कोड के बारे में आपको डिटेल्स नॉलेज नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा कि मैं बहुत आसान तरीका बताया वीडियो के अंदर, जो वीडियो में बना के रखा है, ठीक है। तो वीडियो देख के आप कुछ भी रेजिस्टेंस का कलर कोड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए देखिए, मान लो 5 वोल्ट प्रॉपर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, 8 वोल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है और ये ट्रांजिस्टर बहुत ओवरहीट हो रहा है तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है। ये ट्रांजिस्टर को आपको चेक करके चेंज करके देखना पड़ेगा। बहुत टाइम देखा जाता है कि आप मीटर से चेक करेगा तो ये ट्रांजिस्टर ओपन करके मीटर पर सही देखा जाता है, बट जब पीसी पर आप कनेक्ट कर देता हो, कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा दोस्तों, उसी का जो रीजन है वो खुद पर्स फॉल्ट हो सकता है। इसी तरह हीट देख के भी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते, कुछ भी लाइन हो सकता है। तो दोस्तों और क्या बताऊँगा, तो आपको ये जो बताना चाहता हूँ कि देखिए, मान लो हो सकता है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर बहुत ही ओवरहीट हो रहा है। ये ओवरहीट होने का जो रीजन होता है, इसका अंदर जो आउटपुट सेक्शन का अंदर बूस्ट पीएफ देखा जाता है, देखिए रेड वाला जो पीएफ, ये ब्राउन टाइप जो पीएफ, बहुत कुछ कलर का पीएफ देखा जाता है, ये फॉल्ट होने का रीजन से भी हो सकता है, ईएसटी फॉल्ट होने का रीजन से भी हो सकता है, ठीक है। दोस्तों ये वर्टिकल आईसी बहुत ही ओवरहीट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, दोस्तों वर्टिकल सेक्शन का जो अलग अलग कैपेसिटर देखा जाता है, मेनली 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर देखा जाता है, वो भी फॉल्ट हो सकता है। हो सकता है ये 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, ये प्रॉब्लम होने का रीजन से भी आउट वर्टिकल आईसी ओवरहीट हो सकता है और लगाने के बाद भी वो साथ साथ फट जाता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी तरह जो हीट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी पोजिशन का पास हीट हो रहा है कि नहीं। ये भी एक्चुअली जो बेस बोर्ड का ट्रांजिस्टर है, कुछ भी कलर प्रॉब्लम जब आएगा तब जरूर 1 मिनट 2 मिनट सप्लाई देने के बाद ये बेस बोर्ड को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देखिए आप, और जो तीनों रेजिस्टेंस है टच करके देखिए ओवरहीट हो रहा है कि नहीं। जब देखेगा कि कुछ भी ये तीनों रेजिस्टेंस नॉर्मल हीट है, सेमी हीट होना चाहिए, कुछ भी एक रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, मतलब वो सेक्शन का फॉल्ट है, मतलब वो सेक्शन का साथ जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर खुद फॉल्ट हो सकता है। और दोस्तों वो लाइन के अंदर ये जो पीएफ देखा जाता है, ये पीएफ भी फॉल्ट हो सकता है और ये जो लाइन जा रहा है ये मेन पीसीबी के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। ये जो मेन पीसीबी के अंदर आता है, अब देखिए, और ये मेन पीसीबी के अंदर देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पूरा सिग्नल लाइन का साथ तीनों डायोड दिखा जाता है, देखिए ये तीनों डायोड दिखा जाता है। जिस लाइन का रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा तो उसी का रीजन से ये डायोड जो दिखा जाता है, कुछ भी एक डायोड वो लाइन का डायोड शॉर्ट हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है ये लाइन का जो सिग्नल लाइन, ये जो आईसी से सिग्नल आता है, खुद आईसी भी फॉल्ट हो सकता है, ये आईसी शॉर्ट होने का रीजन से भी ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो सकता है। हो सकता है पिक्चर ट्यूब का कुछ भी कैथोड पिन शॉर्ट है तो उसका रीजन से भी ये ओवरहीट प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों इसका चेक करने का तरीका बहुत आसान है, पिक्चर ट्यूब का अंदर कनेक्शन करने का समय जब देखेगा कि रेजिस्टेंस ओवरहीट, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये बेस बाहर करने के बाद ये रेजिस्टेंस ओवरहीट नहीं हो रहा है तो पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है,
जब देखेगा कि ये बेस बाहर करने का बाद भी सप्लाई देने का बाद ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, तो उसका मतलब आपको जिस तरीका बात है ये कुछ भी पास फॉल्ट हो सकता है। तो ये चेक करने का जो तरीका आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, फर्स्ट इसका अंदर आपको जो डायोड के बारे में बात है कि ये जो सिग्नल लाइन का तीनों डायोड देखा जाता है, आप अच्छा करके देखिए, तीनों डायोड देखा जाता है, ये तीनों डायोड को आप एक साथ ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद देखिए कि वो ओवरहीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये जो आईसी से जो तीनों सिग्नल आ रहा है, ये तीनों सिग्नल को आप ओपन कर दिए, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद देखिए कि हीट हो रहा है कि नहीं। दोस्तों ये सब ओपन करने के बाद, ये जो रेजिस्टेंस ओवरहीट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आपको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि ज़रूरी आईसी शॉर्ट है, तो ये आईसी को आपको रिप्लेस करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करके देखना पड़ेगा। और क्या बताऊँगा, और इस तरह कुछ भी प्रॉब्लम आपके पास आएगा तब ज़रूर कमेंट करके बात है कि सर ये पोजीशन का पार्ट फॉल्ट है, ये पोजीशन हीट हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बताने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आप ये पोजीशन को चेक कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसलिए आपको जानना पड़ेगा कौन पोजीशन कौन सेक्शन है, ये सेक्शन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो ESD होता है, ESD का ये पोजीशन पूरा ESD सेक्शन होता है, मतलब ये आउटपुट सेक्शन है, ठीक है। और दोस्तों ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, ये जो बॉर्डर जा रहा है, ये जो बॉर्डर देखिए, ये बॉर्डर का अंदर ये एक हॉट सेक्शन होता है पावर सेक्शन का, और इसका बाद ये कूल सेक्शन होता है। दोस्तों कूल सेक्शन का अंदर सब कुछ होता है, मतलब ये वर्टिकल सेक्शन होता है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है, और दोस्तों ये साउंड सेक्शन होता है। साउंड सेक्शन मतलब देखिए, ये साउंड स्पीकर जो आउटपुट होता है, स्पीकर का कनेक्शन पॉइंट है। कुछ भी टीवी का PCB, जब टीवी का अंदर स्पीकर देखा जाता है, वो स्पीकर से उसका जो वायर कनेक्शन दिखा जाता है, कुछ भी पोजीशन हो सकता है, ये साइड भी हो सकता है, ये साइड भी हो सकता है, ये साइड भी हो सकता है। आपको वायर देख के पता चलेगा कि वो कौन पोजीशन का साथ कनेक्शन है। मान लो ये पोजीशन का साथ कनेक्शन है, तो ये लाइन को आप अच्छा करके चेक करके तो पता चल जाएगा कि ये कौन पार्ट्स का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये आईसी का साथ कनेक्शन है, तो दोस्तों वही साउंड आईसी होगा। इस तरह साउंड आईसी आप पता कर सकते हो। ब्रांडेड PCB के अंदर बहुत कुछ अलग पोजीशन पर साउंड आईसी देखा जाता है, ठीक है, वो तो हो गया। और उसका बाद देखिए, ये जो AV कॉर्ड, ये AV1 का होता है जो PCB का साथ कनेक्शन, और ये जो एक्स्ट्रा कॉर्ड, ये AV2 का होता है, इसका जैक दोस्तों ये पोजीशन है। दोस्तों ये ऑडियो वीडियो सिग्नल इनपुट सेक्शन है, ये सेक्शन को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर देखा जाता है, तो दोस्तों ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है, डाइवर्ट ट्रांसफार्मर है। बहुत कुछ टेक्नीशियन ये DT कहता है। दोस्तों ये डाइवर्ट ट्रांसफार्मर का पास ये पिन का साथ एक ट्रांजिस्टर देखा जाता है, तो दोस्तों ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन पोजीशन का फॉल्ट है, ये भी आपको क्लियर करके बताना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बताऊंगा, तो दोस्तों ये तो मेमोरी आईसी है, सबको पता है, ठीक है। मेमोरी आईसी का पूरा एक साइड ये पूरा नेगेटिव होता है, और एक सप्लाई पिन होता है, और दोस्तों और एक नेगेटिव पिन इसका अंदर देखा जाता है, और दोस्तों एक SCL और SGA का पिन होता है। बट ब्रांडेड PCB के अंदर इसका पिन फंक्शन अलग होता है, तो दोस्तों उसका नंबर भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो और क्या बताऊंगा, तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर जिस तरह आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह वीडियो चाहता हो। थैंक यू दोस्तों।